नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सीएम अशोक गहलोत की नजर कांग्रेस गढ़ के अलावा बीजेपी के गढ़ पर तो है ही, और साथ ही बसपा को साधने में भी लगे हुए। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र के 40 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र के कक्षा 5 में 10 या फिर 10 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विद्यार्थी स्थानीय स्तर पर ही उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बेहतर होने के साथ साथ विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर में भी कमी आएगी। सीएम के इस फैसले को बसपा के विधायक को साधने के तौर पर भी देखा जा रहा है। भरतपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने इनमें से 2 विधानसभा सीटों पर नगर और नदवई पर जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी ने अब नगर और नदवई विधानसभा सीट पर नए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। नगर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने खुर्शीद अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। खुर्शीद अहमद पहले भी 3 बार नगर विधानसभा सीट पर जनता दल सेक्युलर और लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार नगर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण ज्यादा हावी रहने वाले हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 50,000 मतदाता मुस्लिम हैं। दूसरे नंबर पर गुर्जर मतदाता आते हैं। इस सीट पर गुर्जर मतदाता लगभग 40,000 है और तीसरे नंबर पर जाट मतदाता आते हैं। जाट मतदाताओं की संख्या करीब 40,000 है तो वहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 35,000 है। वर्ष 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के वाजिब अली चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने भी अन्य बसपा विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया था और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने खुर्शीद अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या खुर्शीद अहमद भी वाजिब अली की तरह जीत करके परचम फहरा पाएंगे। नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाते आए हैं। साल 2018 के चुनाव में वाजिब अली ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और दूसरे नंबर पर रहे थे जाट नेता नेम सिंह फौजदार। फौजदार ने 2018 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। फौजदार अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो बीजेपी के नगर विधानसभा पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। इस बार जब विधानसभा सीट पर विधानसभा के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी वाजिब अली को बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी खुर्शीद अहमद भी मुस्लिम समाज से और वाजिब अली भी मुस्लिम समाज से आते हैं। अब बीजेपी अपना प्रत्याशी किसको बनाती है ये देखने वाली बात होगी। और इधर मुख्यमंत्री की नगर विधानसभा पर नजर से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा तो ये कह चुके हैं कि बसपा के सभी विधायक उनके साथ हैं और गुढ़ा के अग्रिश्ते कांग्रेस से खराब हो चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किसे किसका फायदा मिलता है और किसका साथ मिलता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया।